आज के समय में एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, क्योंकि यह कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी भी बकरी या हिरण को सीधे ही निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इसे मॉन्स्टर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। चलो आज हम आपको इस सांप के बारे में कुछ अनोखी बातें बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर गिरे उल्कापिंड की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा कर सबको चौंका दिया है कि टाइटेनोबोआ नाम का सांप अभी भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी भी बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को डायनासोर के साथ ही विलुप्ति का नाम दे दिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में यह जीव आज भी जी रहा है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 से 60 फीट लंबा है। इसकी चौड़ाई लगभग 4 फीट की है। माना जाता है कि यह सांप लगभग 1500 किलो का होता था। 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप की कई जीवाश्म भी मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई तो उस आधार पर अनुमान लगाया गया कि इस सांप की लंबाई लगभग 50 से 55 फीट जरूर होगी। इसका वजन उस समय पर लगभग 1100 से 1200 के करीब रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशाल सांप का नाम टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटेनिक जहाज के ऊपर रखा गया था, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटेनिक जहाज की तरह विशाल था और यह सांप अब तक के सभी सांपों से सबसे बड़ा सांप था। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जानते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेजन नदी में इतने बड़े सांप को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेजन जंगल और यह नदी इतने विशाल हैं कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाता। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में फिर से।